कुछ चंद यूट्यूबर सब जो है वो व्यूज के लिए किसी भी मतलब हद तक किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। 500-600 व्यू पे एक डॉलर मिल जाता है। तो सबका राजधानी कहा जाता है, सबका हेडक्वार्टर दरभंगा कहा जाता है। दरभंगा महाराज आप लोग में से बहुत सारे लोग ने बोला था भाई रात में हम लोग को दरभंगा महाराज का फेस नहीं दिखा था, तो चल करके दिखाइए। तो दिखा देते हैं, अभी क्या दिक्कत है, हम लोग राज मैदान में दिखा देते हैं आप लोग को। आप लोग का क्या कहते हैं आदेश सर और आंखों पर। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आप देख रहे हैं मतलब यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हम लोग हैं दरभंगा टावर पे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आज मेरा माथा बहुत ही ज़्यादा गर्म है क्योंकि कुछ चंद यूट्यूबर सब जो है वो व्यूज़ के लिए किसी भी मतलब हद तक किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ। अभी जो है दिसंबर का महीना और यूट्यूब का इनकम बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी आप रख सकते हैं 1200 व्यू पे एक डॉलर मिल जाता है लगभग अभी यूट्यूब 1200, डिपेंडिंग ऑन चैनल की कौन कितना रेपोटेड चैनल है। जैसे अगर कोई आपका बड़ा रेपोटेड चैनल है तो उसमें लगभग आपको 500-600 व्यू पे एक डॉलर मिल जाता है। अभी का जो सीजन चल रहा है भाई उसका मैं बात करूँ तो कुछ यूट्यूबर सब जो है दरभंगा एयरपोर्ट का बहुत सारा अफवाह फैला रहा, अफवाह बात फैला रहा है, उसको लेकर थोड़ा माथा मेरा गर्म हो चुका है। मैं हर चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, तो जस्ट उसके लिए मैं अभी राजमैदान जा रहा हूँ डेडिकेटेड वीडियो उसको शूट करने के लिए। और साथ में सुभाष है जो कि बाइक चला रहा है और हम लोग राजमैदान जा रहे हैं इसी का मतलब डेडिकेटेड वीडियो शूट करने के लिए हम लोग राज कैंपस जा रहे हैं। और सारा अफवाह को मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग प्लीज़ ऐसे चैनल को सपोर्ट मत कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन होता है यूट्यूब के नीचे, आप रिपोर्ट कीजिए जो कि फेक न्यूज़ सब फैला रहे हैं। और बहुत सारी बातें मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल मूड को थोड़ा सही किया जाए क्योंकि ऐसे एग्रेसिव में अपने फैमिली से बात नहीं किया जाता। अभी जो भी मेरा फैमिली है 124 सब्सक्राइबर का, वो आप लोग है फैमिली है, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे बात करने में। बस एक थोड़ा सा गुस्सा अंदर से कि लोग सबको क्या कहते हैं मिसगाइड किया जा रहा है और गलत गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कि भाई ये है वो है, बट ऐसा बहुत सारा चीज़ सही बोले हैं, बट बहुत सारा चीज़ मतलब क्या करें 100 में से 70% ये वो गलत बोल रहे हैं, 30% ही आपको सही जानकारी दे रहे हैं। और हर एक वीडियो डेडिकेटेड निकाल रहे हैं, सबके ऊपर लाख लाख व्यू जा रहा है, चंद रुपये कमाने के लिए, चंद व्यू कमाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये जान के बहुत दुख होगी दरभंगा जैसे बड़े शहर से जो कि राजधानी कहा जाता है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी मधुबनी समस्तीपुर और दरभंगा, ये 3-4-5 डिस्ट्रिक्ट कुछ है तो सबका राजधानी कहा जाता है, सबका हेडक्वार्टर दरभंगा कहा जाता है। और इतने बड़े शहर में इस तरह का काम भाई बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। थोड़ा सा शर्म कीजिए, अगर आप देख रहे हैं जो भी यूट्यूबर सब आप देख रहे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं तो शर्म कीजिए थोड़ा। डेडिकेटेड वीडियो आने वाला, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, सबका पोल खुलेगा बारी बारी से। चलिए अभी हम लोग राज कैंपस चल रहे हैं और वीडियो बनाएंगे और बाकी का सब बढ़िया है। और हम लोग अभी रास्ते में हैं, यहाँ पे हसन चौक के पास पहुँच गए हैं और पीछे सब घूर रहा है कि भाई फ़ोन कैमरा से क्या बात कर रहा है, ठीक ना, आईफोन का कैमरा से भी शूट हो रहा है, आईफोन SE 2 2020 तो उसके कैमरा से शूट हो रहा है। और हम लोग राज मैदान जा रहे हैं रास्ता में है। और आजकल क्या बोलें आप लोगों को, आप लोग तो फैमिली हैं, आप लोग के ऊपर हक है मेरा कि हम बोल सकते हैं आप लोगों को कि भाई थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा चैनल को कीजिए, क्योंकि आप लोग 124 सब्सक्राइबर का जो है मेरा फैमिली है, मेरा खुद का मतलब आप लोग के ऊपर हक है यार कि आपको हम इतना तो बोल सकते हैं कि भाई प्लीज़ हमको हेल्प कीजिए और थोड़ा सा हमको आगे जाने में सपोर्ट कीजिए, थोड़ा मदद कीजिए कि हम थोड़ा सा ग्रो कर जाएं, अपने दरभंगा को एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके, अपने बिहार में एक रिप्रेजेंट कर सके कि मेरा भाई बिहार इतना अच्छा है। जैसे कि बिहार से बाहर लोगों की ऐसी सोच होती है ना कि भाई बिहारी है तो गरीब होगा, अनपढ़ होगा, एजुकेटेड नहीं होगा और मतलब क्या कहते हैं मूर्ख होगा, ऐसी कोई मतलब ऐसा हम बिहारियों में तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी में हो और हाथों का सारा उंगली बराबर नहीं होता, आप भी ये जानते हैं। तो कुछ लोगों का जो छोटा मेंटेलिटी है ना उसको सही करना है और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट कीजिए। और हम दरभंगा और बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर और अपनी इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो अभी हम लोग MRM कॉलेज के पास हैं और हम लोग राज कैंपस के तरफ बढ़ रहे हैं, राज कैंपस जा करके मैं आपसे बात करता हूँ, वहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ वीडियो, फिर देन आपसे बात करता हूँ मैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने अभी एयरपोर्ट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और आप लोग जा करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको क्या कहता हूँ, पहले ये वीडियो आएगा देन एयरपोर्ट वाला वीडियो आएगा, मैं आपको वो वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आफ्टर जब वीडियो लॉन्च हो जाएगा तब उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा। और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखिए जाके, जो छोटे छोटे मतलब छोटे नहीं कुछ यूट्यूबर सब जो है चंद व्यू और चंद पैसों के लिए जो ऐसे काम करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा घिन आता है ये सब सुन करके कि भाई थोड़े से पैसों के लिए आप मिसलीड कर रहे हो सब आदमी को। ऑल ओवर दरभंगा ने आपका यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो ऐसा मिसलीड मत किया कीजिए, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है। और चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं मनकामना मंदिर पर, यहाँ पर पार्क है ना तो वहीं पर रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कहाँ गया वो रहा वो रहा मनकामना मंदिर। और मनकामना मंदिर से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आज तो कोई तो एग्ज़ाम है भाई, सुभाष आज क्या चीज़ का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम क्या चीज़ का, आज किसी चीज़ का एग्ज़ाम है इसको भी आइडिया नहीं है, तो उसी को लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ है, चहल पहल है राज कैंपस में और मनकामना मंदिर पर ऐसे भी भीड़ रहता है ये। तो अभी हम लोग जस्ट घूम रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। और दरभंगा महाराज आप लोग में से बहुत सारे लोग ने बोला था भाई रात में हम लोग को दरभंगा महाराज का फेस नहीं दिखा था, तो चल करके दिखाइए। तो दिखा देते हैं, अभी क्या दिक्कत है, हम लोग राज मैदान में दिखा देते हैं आप लोग को, आप लोग का क्या कहते हैं आदेश सर और आंखों पर।
सड़ाखों पर। चलिए भाई सही है, अभी हम लोग जाते हैं क्या कहते हैं महाराज दरभंगा महाराज के पास, वहाँ पे जाके आप लोगों को अपना फेस दिखा देते हैं। बट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ दरभंगा महाराज के बारे में। तो यहाँ पर रखते हैं कैमरा, सही है ना। दरभंगा के जो महाराज हैं उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में अपना ज़मीन दिया है, जिसका कि नाम आज पीजी डिपार्टमेंट जो है क्या कहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी डिपार्टमेंट है उस जगह का नाम है दरभंगा हाउस, जो कि दरभंगा महाराज ने अपना ज़मीन पटना क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी को दिया था, तो उस जगह का नाम पड़ गया दरभंगा हाउस, ठीक है ना। तो ये था कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दरभंगा महाराज। और अभी जिस जगह हम लोग खड़ा है ये नरगोना पैलेस है, और यहाँ पर दरभंगा महाराज का खुद का पर्सनल रेलवे स्टेशन हुआ करता था, यहीं से वो कहीं जाते थे। और दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो बिहार का सबसे पहला एयरपोर्ट है, सबसे पुराना एयरपोर्ट है, जो कि दरभंगा महाराज यूज़ किया करते थे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे। तो मैं बात कर रहा था दरभंगा महाराज के एयरपोर्ट की, तो दरभंगा महाराज का जो एयरपोर्ट था तो उस समय के जो तत्काल प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उनको इन्वाइट किया था दरभंगा महाराज ने कि आइए हमारे एयरपोर्ट पर, और कहीं दरभंगा से वो लोग बाहर गए थे। तो ये दरभंगा का इतिहास, दरभंगा बोला जाए तो पूरे बिहार का इतिहास, क्योंकि दरभंगा भी बिहार में ही पड़ता है, तो बिहार का इतिहास यही है। और जानकर खुशी होता है कि बिहार का इतिहास बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और बस यही था। और अपने लोग ही यहाँ पे क्या कहते हैं बिहार के लोग सब सपोर्ट नहीं करते हैं, वरना आज बिहार कहाँ से कहाँ होता, बहुत सारे कभी घोटाले तो कभी कुछ और करप्शन कभी कुछ तो कभी कुछ, इसीलिए दरभंगा का धरोहर। आज जो दरभंगा का लाल किला है द रेड फोर्ट कहा जाता है, वो तो दिल्ली के लाल किला से 2 फीट ऊंचाई है, बट देखा जाए तो वो गिरने के कगार पे, क्योंकि उसका रिनोवेशन नहीं हो पा रहा है टाइम टू टाइम। ऐसे तो सरकार बिल पास करती है कि भाई इसका रिनोवेशन होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत कुछ होगा, बट होता क्या कहते हैं ऑन ग्राउंड लेवल देखा जाए तो कुछ नहीं होता अभी तक। आई थिंक मुझे लगता है कि अब दरभंगा में क्या कहते हैं देवाल जो रेड फोर्ट है दरभंगा का, आई थिंक वो 2 से 3 साल में गिर जाएगा, क्योंकि झुक रहा है एक लेवल की तरफ, मतलब एक साइड की ओर वो झुक रहा है देवाल और गिर ही जाएगा। तो ये था दरभंगा का अपडेट, और चलते हैं दरभंगा महाराज से आपको मिलवाते हैं, हाई हेलो करवाते हैं। हम ही लोग का जात भाई है, वो भी क्या कहते हैं श्री कामेश्वर सिंह जी है, नहीं थे तो अब तो नहीं है, तो श्री कामेश्वर सिंह जी हम ही लोग का जात भाई, वो भी राजपूत हम भी राजपूत, चलिए मिलवाते हैं आपको उनसे। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं चौरंगी पे, यहाँ पे 4 रास्ता मैच करता है, ये रास्ता जो आप लोग देख रहे हैं इस साइड से श्याम माई से आता है, और इस साइड से बात कर लिया जाए तो ये मेन हसन चौक से जो रोड आता है उसी का, और पीछे में दरभंगा महाराज है, यहाँ पे आप मूर्ति देख रहे हो दरभंगा महाराज का। तो फिर चलिए हम लोग क्लोज लुक देखते हैं दरभंगा महाराज का क्या कैसे है। तो दोस्तों ये दरभंगा महाराज जो जिनका नाम कामेश्वर सिंह जी है ये, और रिसेंटली इनका नाक टूट गया था तो नाक भी बनाया गया, इसी का रिनोवेशन के लिए वर्क चल रहा था। और इस साइड श्याम माई का आप लोग देख सकते हो मंदिर है वहाँ पे जो दिख रहा है, श्याम माई कैंपस है, और इस साइड नॉर्मली रोड है, रोड आने जाने का रास्ता चौरंगी, इसलिए क्योंकि 4 दरवाजा इस साइड से, इसलिए तो चौरंगी कहा जाता है। दूर देख रहे हैं वो दरभंगा का रेड फोर्ट है, जो कि दिल्ली का रेड फोर्ट से 2 फीट ऊंचा है, और इसी का मैं बात कर रहा था रिनोवेशन का, बिल्कुल वर्क नहीं चलता और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अब हम लोग चल रहे हैं लहरिया सराय की तरफ, वहाँ पे थोड़ा काम है, तो साथ में सुभाष और आर्यन भी पीछे है वहाँ पे चला गया, कहाँ चला गया ये रहा यहाँ पे, वो रहा आर्यन और सुभाष। तो अभी हम लोग उस सबके साथ जाएंगे लहरिया सराय, वहाँ पर थोड़ा सा काम है, उसको शॉर्ट आउट करके फिर वापस आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं हराई पोखर के पास और MRM कॉलेज के पास जा रहे हैं, यहाँ पे आर्यन जो कमेंट पास कर रहा है ये आर्यन है, ये सुभाष है। तो अभी हम लोग लहरिया सराय की तरफ जा रहे हैं, बट सोचिए पहले थोड़ा कॉलेज स्कूल देख लेते हैं क्या खुला है या फिर नहीं खुला है। और सामने ही MRM कॉलेज है, MLSM कॉलेज है, सामने ही MLSM कॉलेज है, तो वहाँ पर जाते हैं देखते हैं क्या कैसे सीन है, और फिर हम लोग लहरिया सराय चलेंगे। और ये रहा मेरा पीछे कॉलेज MLSM कॉलेज, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आई पोखर में आपको बात बताऊँ तो वो पोखर जो है ना, कोई राक्षस थे जो राधे रात पोखर वो खूने थे, कोई तो कहानी है मुझे नहीं मालूम। और वो जो पोखर है उसके नीचे क्या कहते हैं 7 कुआं है, तो यही कहानी है, हमको उसका पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट इतना जानते हैं कि राक्षस कुना था और 7 कुआं है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ बाइक पे। भाई आर्यन मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं बिहारी लैंग्वेज में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये है सीन हमारा, दरभंगा अपना राज है भाई, दरभंगा में आप कभी भी आ जाए कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार याद कर लीजिएगा, पर इतना याद मत कीजिएगा कि वो हिचकी रुके ही ना। अभी हम लोग कटहलवाड़ी में पहुंच चुके हैं, कटहलवाड़ी है, और बस घूम रहे हैं भटक रहे हैं, अब राज की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर जाम बहुत था तो सोचे थोड़ा कटहलवाड़ी से राज चलते हैं। आप लोग को हराई कुकर भी दिखा दिए पीछे, हराई कुकर था, और यहाँ पे बावर्ची होटल है, बावर्ची होटल इससे भी कुछ याद जुड़ा हुआ है, मैंने मतलब एक फ्रेंड है मेरा तो उसको बताए हुए इस होटल के बारे में, अच्छा खासा कांड हुआ था होटल में, तो एक फ्रेंड को बताए हुए थे बस, और कोई बात नहीं, और बस घूम रहे हैं, चल रहे हैं, डूब रहे हैं, और दोस्तों के साथ मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग हैं कहाँ पे कटहलवाड़ी में, चलिए हम लोग रात चलते हैं, और रास्ता में कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी हम लोग रात पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे मामा जी का गाड़ी लगा हुआ है, आते हैं तो एक बार मिल उल के जाइएगा, भुजा उजा खा करके जाइएगा, और ससुराल में 2-3 दिन बिता करके ही जाइएगा। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी थाना है इसलिए मामा जी का गाड़ी है, और ये हम नया शोरूम खोले हैं एक्चुअली, आप लोगों को जो भी कार पसंद हो अभिषेक सिंह का नाम लीजिएगा, अपना कार उठा के चलते रहिएगा,
और ससुराल में भी 2-3 दिन टाइम व्यतीत कीजिएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को। आप लोग का अपना ससुराल है, खा पी करके जाइएगा। और क्या आप घूम रहे हैं राज मैदान में? राज मैदान में घूमने का अपना अलग ही मज़ा, अपना अलग ही वाइब है, मज़ा आ रहा है। और बस जिद्दी कट रहा है। तो दोस्तों अभी दरभंगा में, दरभंगा के राज कैंपस में, पीछे आप लोग देख सकते हैं संस्कृति मिथिला यूनिवर्सिटी है। और ये चश्मा जो है डेयर मिला था आर्यन के तरफ से, बोला भाई चश्मा तुम पे जैसा भी लगे तुमको ये वीडियो बनाना है, कंप्लीट करना है। भाई आर्यन चश्मा कैसा लग रहा है? हीरो लग रहा है, हीरो हीरो। तो अगला मूवी में लॉन्च होगा? हाँ जरूर होगा। आर्यन जो है प्रोड्यूसर, अब ये लॉन्च करेंगे मैं अगला मूवी। तो एक्चुअली राज में मस्ती कर रहे हैं, फिर हम लोग लहरिया से भी जाना, वहाँ पर भी थोड़ा सा काम है, तो हम लोग घूमने के लिए इसे मस्ती करने के लिए राज में है। और कुछ नहीं, मस्ती हो रहा है बस। फोटो बताइए कैसा है, आईफोन का कैमरा, रियर कैमरा आईफोन SE 2 का। तो चलिए घूमते हैं फिरते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसे करते हैं, और आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों हम लोग लहरियासराय से आ चुके हैं, हम लोग को वहाँ पे थोड़ा सा काम था, तो काम फिनिश करके आ गए हैं। रात से हम लोग सीधे लहरियासराय गए, लहरियासराय में थोड़ा सा काम था वो फिनिश कर लिया, भगत सिंह चौक पे है। और यहाँ पर हम स्पेशल एक फ्रेंड से मिलाते हैं आपको, जो कि चश्मा का, जिनका शॉप है चश्मा पर्स, जिनका चश्मा पर्स और वॉलेट का शॉप है। तो ये है मेरे भाईजान, भाईजान इधर देखिए, और ये है भाईजान, आप इनके यहाँ से आकर के चश्मा ले सकते हैं, बहुत सारा वेरायटी सब। मैं आपको दिखाता हूँ, एक लुक दिखाता हूँ रिसेंटली भाईजान, एक मेरा चश्मा जो हम ले गए थे निकालिए ना। हाँ तो यहाँ पे भैया हैं, तो इनके यहाँ से चश्मा में एक ले गए थे, आपको दिखाते हैं और निकाल रहे हैं। ये चश्मा हम भैया के यहाँ से ले गए थे, चलिए पहन लेते हैं और फिर दिखाते हैं कैसा क्या लगता है। हाँ यही चश्मा है। तो आप लोग आते हैं तो एक बार इनसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। भैया अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए आप। नंबर तो आपके पास नहीं? नहीं बोलिए, फिर भी आप बोलिए। बाकी लोग के पास नहीं, मेरे पास है, बाकी लोग के पास नहीं, जो आपसे लेना चाहते हैं, ऑल ओवर दरभंगा आपको देख रहा है, तब अपना नंबर दीजिए। तब ना आपके पास है 91 91 91 9912 9912। नाम क्या हो गया? सुल्तान। सुल्तान, सुल्तान जी का नंबर है, आप आइए और यहाँ शॉपिंग कीजिए। तो बस यही था इस वीडियो में, सुल्तान जी के यहाँ की आप शॉपिंग कीजिए। सुल्तान जी बोले कि भैया आप यूट्यूब बनाते हैं और मेरा नहीं लेते हैं, तो इनका भी हम क्या करते हैं, इनका भी वीडियो में ले लिए। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।